जिस तरह आपने हमें हर मुसीबत से बचाया है, उस एहसान का बदला कितनी भी दिनारी पूरी नहीं कर सकती अली। वैसे अब तुम आ गई हो तो एक काम करो, छुप जाओ। छुप जाए? हाँ। क्यों? हमें भी बाहर जाना है। तुम एक बार बाहर जाके आ चुकी हो और ये जोखिम मैं दूसरी बार नहीं उठाने वाला। बिल्कुल भी नहीं, दिवाली का त्योहार है, परवाज में पहली बार दिवाली मनाई जा रही है। और वैसे भी अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो हम चुपके से चले जाएंगे। चुपके से भागने की फिराक में हो क्या? मजाक कर रहा था। वैसे भी भागकर जाओगी कहां? हाँ, मुसीबत से मिलने। अंदर बेचैनी हो रही होगी मुसीबत से मिलने के लिए, मुलाकात जो नहीं हुई तुम्हारी इतने दिनों से। और आपकी बेतुकी बातें बहुत याद आएंगी। मैं और मेरी बेतुकी बातें, जब तुम परवाज से चली जाओगी ना, बहुत याद आएंगी। हम जानते हैं कि हमें आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन हमें आज ही जाना है अली। आप जाने से रोकेंगे इसलिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते। वैसे तुमने मुझसे यूं क्यों पूछा कि मुझे कैसा लगेगा अगर कहीं तुम चली जाओ? ऐसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा ना हमें। एक दिन तो सबको जाना है मर्जी ना, लेकिन फिलहाल दिवाली के जश्न में जाना है। दादी अब यहां पे क्या कर रही हो? खून का सैलाब आने वाला है, मातम का साया छाने वाला है, तुझे तैयार रहना होगा आलू, तुझे तैयार रहना होगा। खून का सैलाब, मातम का साया। शैतानी रूह के आका, मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए मेरी मदद करें। तबाही और बर्बादी के बादशाह, आज ये सिमसिम आपके सामने हाथ फैलाकर जवाब मांग रही है। मैं जानना चाहती हूं क्या है मेरी नूरे निगाह की कहानी, क्या है तलिस्मान की कहानी, क्या है आगाज इबलिस की बुनियाद की कहानी। इबलिस की बुनियाद आज भी इस गुफा में ही है। क्या इस गुफा में है कि बुनियाद? कहाँ है वो? कैसे पहुंच सकती हूँ मैं वहाँ, ताकि फिर से एक बार मेरी नूरे निगाह को मैं जिंदा कर सकूँ? उस तक तुम कैसे पहुंचोगी वो तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें उसकी कुर्बानी देनी होगी जिसे इबलिस से सच्ची मोहब्बत है। सिमसिम से ज्यादा मोहब्बत मेरे नूरे निगाह से कौन कर सकता है?
और अपनी मोहब्बत को फिर से जिंदा करने के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। यकीन नहीं होता तो गला काट के हाथ में रख देती हूँ। मोहब्बत हो तुम इब्लिस की, इस गुफा की सरपरस्त, तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं हम, लेकिन याद रहे इब्लिस को जिंदा करने के बदले में जो हम तुमसे मांगेंगे वो तुम्हारे लिए दर्द और तकलीफ से भरा एक इम्तिहान होगा। वो इश्क ही क्या जिसमें जीने मरने की हदें ना पार हो। मोहब्बत इंतहा लेती है और ये सिमसिम मोहब्बत का इम्तिहान देगी। उस तलिस्मान के दूसरे टुकड़े को हासिल करके मैं आपको फिर से जिंदा करूंगी मेरे नूरे निगाह। ये क्या है? मजीनाबा का इलाज, पुतनी बहाने का टोटका। लेकिन तुझे ये टोटका किसने दिया? जबरू चाचा ने, उन्होंने कहा ये टोटका देखकर चप्पल छोड़कर भाग जाती है। चप्पल छोड़कर क्यों? वो तो पता नहीं, शायद तेज भाग निकले। अच्छा, तो इतनी नायाब चीज उन्होंने तुझे मुफ्त में दे दी? मुफ्त में नहीं दी है, मैंने उनसे वादा किया हम उनकी बकरियों का दूध नहीं चुराएंगे। क्या? लेकिन अगर हम दूध नहीं पियेंगे तो हमें ताकत कैसे मिलेगी? और ताकत नहीं मिलेगी तो हम भूतनी से लड़ेंगे कैसे? इसलिए तो ये टोटका लाया हूँ। तो अब तुम लोग ये सब टोटका करोगे? बंद करो ये सब, बाबा हम पर पहले ही गुस्सा कर चुके हैं। और भूल गए उन्होंने क्या कहा था, चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है। उतारो तुम अपने सर से ये टोटका का भूत। नहीं, मैं तो मजीना आपा के सर से भूतनी उतारूंगा। बच्चों, देखो भूतनी होती है, मलजीना आपा भूतनी है। पोया टोटका, चिंग चिंग बोला, आग का गोला, तू है शैतान, तू मैं हूँ शोला, तेरी राधे कर दूंगा नाकाम, पूजा है मेरा नाम। हराका हराका आईना भराका। अब कौन सी शरारत कर रहे हैं बच्चे? हराका हराका आईना भराका। हम आप सबके लिए कुछ लेकर आए हैं। अलीफी, ये तुम्हारे लिए। इमाद के लिए ये किताब, मन लगाकर पढ़ना। हमारी प्यारी सी गुल्लू के लिए ये प्यारी सी गुड़िया। नफी के लिए ये टोपी। और हमारे पोया के लिए और आप सबके लिए खजूर। इन्हें मिल बांट कर खाना। हमें माफ कर देना बच्चों, हम अब आपको तालीम नहीं दे पाएंगे, हमें आज ही निकलना होगा। ये हमें तोहफे क्यों देके गई हैं? बस ये समझ लो कि हलाल होने से पहले बकरे को खिलाया पिलाया जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो मेरा टोटका का कमाल है, उन्होंने तो हमें खाया भी नहीं और चली भी गई। अरे वो चलो, मैंने उनको उबलते हुए तेल में तलने की सजा नहीं दी ना, इसलिए वो हमें तोहफे दे कर गई।
अरे अभी सजा नहीं, मजा का वक्त है, हम सबको तो पढ़ाई से भी छुट्टी मिल गई। रुको, लेकिन अगर वो वापस ना आ गई तो? मैंने सुना है कि चुड़ैले बहुत धोखेबाज होती है, हो सकता है कि वो जाने का नाटक भी कर रही है। वो सब कल देखा जाएगा, अभी तो इस खुशी में हम दिवाली में खूब मजे करने वाले हैं। फातिमा कहाँ रह गई? हमारा इंतजार हो रहा है क्या बिरादर? इंतजार तो फातिमा का हो रहा था। तो हम जाएं? चुप। बशीर, चार कावा। दरी बाबू, नक्शे का क्या हुआ? बाबा, अभी पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे का थोड़ा सा रास्ता बन गया है। शुक्र है, तुम्हें जो भी याद है उसे अब्बू के नक्शे से मिला के ज्यादा से ज्यादा रास्ता बनाने की कोशिश करना। शुक्रिया। काश थोड़ा जादू हो जाता और मैं यूं आगे का नक्शा बना देता। एक तो तुम दोनों फातिमा जैसे बात करना बंद करो। जादू 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 जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा सबको। हमें अपनी मुसीबतें दूर करने के लिए चाहिए जायज हल, ना कि जादू, फिर भले वो नक्शा बनाना हो या 40 चोरों का सामना करना। बाबा, ये मामूली गली वाले कितना भी चमकने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे गरीबी की बदबू आ ही जाती है। गोरा मामूली कीड़ा अली बाबा, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे अपनी ही शादी की तैयारी की है। बिरादर, हम यहाँ आए ही क्यों हैं? इस मामूली गली के अली के न्योते में मना भी कर सकते थे इसे। हम यहाँ किसी जश्न में शामिल होने नहीं आए, बल्कि उस लड़की की पहचान करने आए। कुछ तो खास है उसमें, चलो उस लड़की को ढूंढते हैं। माशाल्लाह, अली फातिमा से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब भी फातिमा को देखते हैं उनके चेहरे पर एक नूर सा आ जाता है। ना जाने क्यों जब हम फातिमा को देखते हैं तो हमारे चेहरे का नूर उड़ क्यों जाता है। हमें फातिमा अली के लिए सही नहीं लगती, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे कहने से कौन सा अली रुक जाएंगे, हम उनके लगते ही क्या हैं। और वैसे भी आज हम अली की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हैं। फिर वो और उनकी फातिमा जाने, मिर्वेस कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। आज मैं उस जादूगर और उस बच्चे को ढूंढ कर जाऊंगा। आज खाली हाथ नहीं जाने वाला मैं। कितना खूबसूरत लग रहा हूं मैं इसमें, कहीं यही ना डूब जाए। हर इंसान को गौर से देखो, वो जादूगर यही कहीं है। जब हम लोग फुजेरी को जलाते हैं तो उसमें से छोटी छोटी तारे की तरीके चिंगारियां निकलती हैं, बहुत खूबसूरत लगती है और लोग उसको देखकर तालियां बजाते हैं। यहाँ तो फूलों की ऐसी सजावट हुई है कि जैसे कोई
महल को सजाया गया हो। भाईजान वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, इतनी रोशनी मैंने वाकई में आज तक नहीं देखी। कितना खुशनुमा माहौल है, ऐसा लगता है जैसे दिवाली की रोशनी ने दुनिया को अंधेरे से निकाल दिया हो। आप लोग बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी पूछिए। आप लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? मतलब इसके पीछे कोई तो कहानी होगी। जी हाँ जनाब, ऐसी कहानी है जो दुनिया के लिए एक मिसाल है, जिसमें अच्छाई का बुराई से लड़ने का सबक है। ये सबक आप हमें भी सिखाइए, वैसे भी बुरे लोगों से पालक ज्यादा पड़ रहा है आजकल। जरूर सिखाएंगे, लेकिन बता कर नहीं दिखा के। मैं समझा नहीं। दरअसल हमने दिवाली के लिए कुछ खास इंतजाम किए, जिससे आप सबको पता चलेगा कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। दिवाली मनाई जाती है अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में। अयोध्या की पावन भूमि पर जन्म हुआ था एक लड़के का, जिनका नाम था भगवान श्री राम। उनके किस्मत में लिखा था अयोध्या का राजा बनना, क्योंकि वो एक नेक और सच्चे किस्म के इंसान थे। अली भी तो कितने जज्बाती और सच्चे हैं। बहुत भूखा हूँ जनाब, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। ये रख लीजिए और कुछ खा लीजिए। उन्हें अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक भी माना जाता था। आज हम सब मिलके अपने वालिद के लिए दुआ मांगते हैं। क्या वो दुआ झूठी थी? इंतजाम का तो पता नहीं, लेकिन दुआ सच्ची थी। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहकर भी बुलाया जाता था, क्योंकि वो हमेशा न्याय और सम्मान का पक्ष लिया करते थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। अली भी तो सबका ख्याल रखते हैं। बिना किसी जान पहचान के अली ने इस बात का ख्याल रखा कि हमारे साथ कभी कुछ गलत ना हो। वो एक वीर योद्धा थे। हर मुश्किल से बचाते आए हैं हमें। लेकिन जहां सच्चाई होती है वहां लड़ाई भी होती है, और जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, और उस बुराई का नाम था रावण, जो था बहुत ज्ञानी पर उससे भी ज्यादा वो था अभिमानी। और उस राक्षस ने एक दिन धोखे से भगवान श्री राम जी की धर्म पत्नी माता सीता को अगवा कर लिया। और उन्हें अपने साथ अपने राजमहल लंका लेकर चला गया। और इस तरह भगवान श्री राम जी अपनी जीवन संगिनी माता सीता से अलग हो गए। मैं हमेशा से चाहता था मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे, मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दे। अब भला मुझे तुमसे अच्छा इंसान कौन मिलेगा? जब तुम परवाज से चली जाओगी ना, बहुत याद आएंगे। तुमने मुझसे यूं क्यों पूछा कि मुझे कैसा लगेगा अगर कहीं तुम चली जाओ तो? हमें नहीं पता हमारा आपसे क्या रिश्ता है अली, लेकिन आपको छोड़कर जाने का ख्याल ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत ही अजीज चीज छीनी जा रही हो हमसे।